हेलो दोस्तों, आपको ग्लोबल T20 के हवाले से अहम ख़बर ये देते चलें कि ग्लोबल T20 की 3 बरस बाद जो है वापसी का इम्कान है। कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि वह इस साल ये लीग करवाएंगे और इसमें जो अहम खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की जानिब से वो शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक आपको एक्शन में फिर एक बार दिखाई देंगे। शाहिद अफरीदी जिनकी जो है पाकिस्तान में और समेत पूरी दुनिया में फ़ैन्स हैं, वो आपको ग्लोबल T20 में इन एक्शन दिखाई देंगे। और कैनेडियन मेंस T20 की वापसी हो रही है, अब 20 जुलाई से 16 अगस्त तक जो है वो मतवक्के है कैनेडा में ये टूर्नामेंट खेला जाना है। कोरोना की वजह से ये जो है इसका मुमकिन ना हो सका। 3 साल जो है मुलतवी रही ये लीग, लेकिन इस साल मतवक्के है कि ये लीग दोबारा से शुरू हो जाएगी। पहले जो 2 ऑडिशन थे उसमें शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, क्रिस गेल, युवराज, केरन पोलार्ड, आंद्रे रसल, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ब्रेंडन मकेलम, वसीम अकरम, ब्रेन लारा समेत बड़े खिलाड़ियों ने शिरकत की। और इस साल भी ये मतवक्के है कि इस लीग में आपको अहम और बड़े खिलाड़ी इन एक्शन नज़र आएंगे। आपको खेलते आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी एक बार फिर दिखाई देंगे। और क्रिकेट कनाडा के सदर की जानिब से कहा गया, कनाडा की वनडे का दर्जा हासिल करने के बाद ग्लोबल T20 जो है वो उसको करवाना उनका अज़म है और वो क्रिकेट के फ़रोग के लिए इकदाम कर रहे हैं और इसमें आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी भी नज़र आएंगे। तो मतवक्के है कि जो पाकिस्तान के साबिक प्लेयर हैं, अहम प्लेयर हैं, वो आपको एक बार फिर कैनेडियन प्रीमियर लीग में यानी कि कैनेडियन ग्लोबल T20 जो कैनेडियन क्रिकेट के जानिब से करवाई जाती है उसमें दिखाई देंगे।